सरकार द्वारा शिक्षण नीति में जाहिर की गई दोहरी नीति का विरोध करते हुए तथा प्रथम सत्र की 100% फीस माफी की मांग करते हुए आज 4 अभिभावकों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के बाद अभी भी अनलॉक 5 में भी सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेजेस को खुला करने के लिए परमिशन नहीं दी गई। ऐसे में स्कूल और कॉलेजेस बंद हालत में हैं। तो वहीं प्रथम सत्र की फीस को लेकर सरकार द्वारा 25% राहत देने का कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस और कानूनन परिपत्र घोषित नहीं किया गया, जिसको लेकर शिक्षकों में ग्रेड पे में भी संचालकों द्वारा शिक्षकों का वेतन काटा गया है, जो शिक्षण नीति का विरोध करते हुए तथा सरकार और स्कूल माफियाओं की मिलीभगत के आरोप लगाते हुए आज 4 अभिभावकों ने कलम 144 का संपूर्ण पालन कर दिवाली पूरा कोर्ट विस्तार से साइकिल रैली निकालते हुए विरोध व्यक्त किया था। वडोदरा वाली द्वारा जो 144 धारा है लक्षी ने फक्त 4 वाली द्वारा एक जागृत रैली नू आयोजन करेलू है साइकिल रैली। अमारी सरकार साहे एटली डिमांड है कि तमे जे जाहिरनामू कर्यु छे गोल गोल फेरवानी वात छे ए स्पष्ट जाहिर करे। तमे जाहेरात में एवं करो कि जे आ जाहेरात पछी जे शिक्षकों नौकरीमांथी नहीं काढ़ी सको तो आ जाहेरनामा पहला जे शिक्षकों पगार कापिया छे जेमनी नौकरी गई छे एमनू शू 2017 थी एफआरसी करता जे खानगी शाळाओए वधार फी लीधी छे ए परत करवामां आवे अने आना माटे वडोदराना नहीं पण गुजरातना दरेक शहेरना वालीओने बोलावी अने पछी सरकार डिसिजन ले फी बाबते। कारण के अमारी डिमांड जे टोटल फी नहीं पण ट्यूशन फी जे त्यां स्कूलों बंद है ट्यूशन फी में राहत नहीं थी सरकार गोल गोल फेरीने वात जे बंद करे ने एनुं जाहेर परफेक्ट गाइडलाइन बहार पाड़े।